ये है बनबसा का पुल, ये वाला ले लो, लेस वाला, ये वाला। गाइस हमने चार बर्गर, इसके पार नेपाल। वो देखे गाइस कितनी स्पीड है पानी, एक आइलैंड की तरह दिख रहा है। चले फिर नेपाल का बॉर्डर लग जाएगा। तो गाइस हम आ रखे हैं बनबसा की मार्केट में कुछ खाने पीने के लिए, तो देखते हैं कुछ बढ़िया सी दुकान मिले। तो इस दुकान से हम कुछ कुरकुरे वुरकुरे जो आराम से खाएंगे मजे से। एक ले लो बस, और बाकी और कुछ ले ले। ये वाला ले लो, लेस वाला, ये वाला। नहीं नहीं ये बेकार, एकदम चटपटा वाला। बस दो सही, बस दो चीजें सही है। वैसे सही कह रहा है वो, कितना काफी हो जाएगा इसमें देख लो। कौन से बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या? बनबसा के किसी होटल में बैठे हैं और हमने ऑर्डर दे दिया है फास्ट फूड का, तो हम यहाँ पर खाते हैं। गाइस हमने चार बर्गर मंगाए हैं, अभी फ्राइड राइस भी आ रहे हैं। ने राइस मंगा लिए, ये राइस हैं, अब ये राइस खाएंगे। इसी दुकान से अभी नाश्ता किया, यही दुकान थी। तो गाइस अब जा रहे हैं हम बनबसा के पुल पे, जो बड़ा वाला डैम है इसमें है देखो 32 तक, इस पे चलेंगे ना अभी। इसके पार क्या है? नेपाल। इसके पार नेपाल है, वो पहाड़ दिख रहे हैं, आसमान तो सिर्फ नीचे ही है। वो देखे गाइस कितनी स्पीड है पानी में, और बहुत लंबा पुल है, और बहुत दूर तक जा रहा है। ये देखें, एक आइलैंड की तरह दिख रहा है मुझे तो, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। ये है बनबसा का पुल, उत्तर प्रदेश एकदम बॉर्डर के पास उत्तराखंड के, और उस पार है नेपाल, और इस साइड में जंगल जंगल एरिया है। यहाँ के वर्कर्स जो काम करते हैं उनके क्वार्टर्स बन रखे हैं, और गाय माता क्या हाल है, फॉरेन कंट्री के आइलैंड पे आ रखे हैं। वो देखो उस साइड में, हाँ तो यहाँ पे हम कैसा हो पहले सो जाएगा, अभी यहीं फंस जाएंगे इसी आइलैंड पे, ना बोट मिलेगी जाने के लिए ना कुछ, कुछ भी नहीं मिलेगा गाइस। बोट बनानी पड़ेगी, लकड़ी बनानी पड़ेगी। कूद जाऊं क्या पानी में? देख के तो बड़ा मूड कर रहा है नहाने का, आज ब्लू है पानी, पानी बहुत तेज। ये देख रहे हो बॉर्डर बन गया पानी का, वो वाला समुंदर सुना है, एक तरफ का पानी ऐसा एक तरफ का वैसा, वही वाला सीन हो रखा है। घर लेके जाना हो तो मैं इसमें बनाना हो। तो गाइस पत्थर ले लिया है और अब मारेंगे हम। गाइस पत्थर देखो मेरा, मैं मार, चल मार पहले। अब गाइस मैं मारता हूँ, अरे कितने पत्थर मारेगा, अबे संभल के गिर मत जियो। ब्यूटीफुल तितलियां बिल्कुल पास में हूँ गाइस मैं, ये देखो तितलियां ही तितलियां। चले फिर, चले चलो गाइस चलते हैं, वैसे भी बहुत गर्मी है और थक गए पत्थर फेंक फेंक के, बैटरी डाउन हो रही है गाइस यहाँ पे, आज मौसम ने धोखा दे दिया, सुबह तक तो बेहतर था, अब तो कतई फाड़ू वाला हो रखा है। बारिश हो जाए मजा आ जाएगा, इधर ही नहाएंगे सारे जने, फुल इंतजाम के साथ आए, थोड़ा बैठेंगे आराम करेंगे फिर दोबारा जाएंगे। वो 32 रैक वाले में जो नीला कलर का है उसमें पूरा आगे तक घूमेंगे। ये तो भाई ये देखें, ये खूबसूरत जगह, बड़ी खूबसूरत जगह है, और ये इतना तेजी में पानी का, तो लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस ले लिया गाइस, इतने करीब से मैंने इतना तेज पानी देखा है। और ये बहुत खूबसूरत डैम है, ये बनबसा का डैम है, बनबसा का डैम। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आते हुए, और खुशी है कि मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि मैं ट्रैवलिंग करूँ और यहाँ वहाँ घूमू, जगहों को विजिट करूँ, तो इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। और मैं आज अच्छा खासा छोटा मोटा ब्लॉगर, चाहे मेरे व्यूअर कम हो लेकिन मैं बनाता हूँ अपनी खुशी के लिए, और इधर उधर जाता हूँ और आपसे रूबरू कराता हूँ।
गाइस हम खड़े हैं इंडिया के बॉर्डर पे, यहाँ बस निकल ही रहे हैं। 2-4 किलोमीटर दूर नेपाल का बॉर्डर लग जाएगा और हमें बॉर्डर इमिग्रेशन चेक पॉइंट है गोरा। और बड़ा मजा आया, बेस्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का ये, और आगे भी हम आपको ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो गाइस अब यहाँ से रवाना होते हैं घर के लिए वापस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता रहे कि हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो अब तक ये जो आपने देखा पूरी नदी, ये इसका नाम था शारदा, शारदा नदी, और ये बड़ी खूबसूरत नदी है। मुझे तो बड़ा मजा आया देखने में। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं हम ढाबे में, इसलिए कुछ अभी कुछ ऑर्डर करते हैं खाने उने के लिए, बहुत थक गए, इतना लंबा ब्रिज पार किया इसलिए। तो ये मंगाई हमने चाउमीन, अब खाते हैं मेरी नेपाल की चाउ चाउ मैगी।